अच्छा जी, बात थी बस इतना सा ख्वाब है, बस इतनी सी बात है। वी कनाउ दैट, वो मैं लिखूंगा नहीं, वी कनाउ दैट, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेज है। अच्छा खैर, मजाक है बात, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मानी कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत से शुरू करते, तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में हम पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, लिखेंगे बाद में पहले ऐसे जान लेंगे। सबसे पहले क्योंकि अभी आप टेंथ पढ़ के आए हो ना, है ना, अब एक साल से पढ़ रहे हो, और चुका है ये व्हाट इज दिस, ये नहीं चलेगा। तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, मतलब जनवरी से लेके एक जनवरी तक, तो एक साल तो हो ही गया ना, तो एक साल में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। थोड़ा बहुत हम आपसे जानना चाहेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, बताइए जनाब। सौभ्य मैम, राशि सर, हमी सर, हमी वस्तु नाम हवन, पता है किसी को कुछ क्या क्या उर्वर सीरत। चलो जी सिंपल सिंपल बात करते हैं हम, छोटी मोटी बात। एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, जैसे बाकी सारी ब्रांच भी है ना मैथमेटिक्स की, वैसे ही ये भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स, साइड्स ऑफ द राइट एंगल, ठीक है ना, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम इसमें रिलेशनशिप किस किस के बिटवीन, एंगल, ट्राइंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के बिटवीन का रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब समझते हो ना, ये ना रिश्तेदारी और रिलेशनशिप ना, है ना, मतलब एक दूसरे के साथ ही कैसे इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना, वो हम पढ़ते हैं क्या इसमें ट्रिग्नोमेट्री। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्राइंगल अगर है तो है कौन सा ट्राइंगल, हमको जो बेसिकली पढ़ना है ट्राइंगल, हमको पढ़ना है कौन सा वाला ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राजेश साहब आप बताइए जरा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल। समी साहब और मैम सर, बहुत बढ़िया, जिसमें क्या हो 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, जैसे कि यह वाला एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, देखो बोर्ड को भी राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, यहां से ऐसे करके इसको डिवाइड करो, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन किसका, इसके एंगल का इसके साइड्स के साथ रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि हम इसके एंगल्स का रिलेशनशिप और इसकी साइड्स का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, हम इसके एंगल्स का रिलेशनशिप इसकी साइड्स के साथ क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपका और मेरा रिलेशनशिप क्या है, स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है ना, वैसे ही इसके एंगल्स का इसकी साइड्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करेंगे हम किस पे करेंगे, इस ही राइट एंगल ट्राइंगल पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे हम किस पे पढ़ेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल के बेस पे ही पढ़ेंगे सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो बेसिकली कहने का मुद्दा इतनी सारी बातें करके यही है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आपसे एक छोटा सा सवाल जनरल नॉलेज के लिए, ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, अब असल लाइन छह तरह के ट्राइंगल होते हैं, कौन कौन से, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंगल सही ठीक, आइसोसेलिस ट्राइंगल ठीक है, और एक और बचा ना, अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल गए, ठीक है। तो छह तरह के ट्राइंगल होते हैं, बेसिकली हम ट्राइंगल्स पढ़ नहीं रहे, जब ट्राइंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको बेसिक नॉलेज। तो ट्रिग्नोमेट्री लाल बोर्ड जिस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल, एटलीस्ट एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो,
ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, एक एंगल कितना होगा उसका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल्स की हमेशा ट्राई एंगल का मतलब ही है कि तीन साइड तीन एंगल होंगे उसके, ठीक है ना। अब तीन एंगल होंगे तो वैसे तीन एंगल बनाने के लिए तीन साइडों की भी जरूरत हमको पड़ेगी, ठीक है ना। तो मतलब ट्राइंगल में कितनी साइड होंगी हमेशा तीन, या ये नहीं बताना चाह रहा मैं, आपको पता है ट्राइंगल की तीन साइडें होती है, लेकिन उन तीन साइडों के नाम क्या क्या होते हैं वो जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्राइंगल की जो तीन साइडें होती है उसमें से एक होती है बेस, ठीक है, दूसरी होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, और तीसरी होती है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये तीन तरह की साइड होती है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेस किसको कहते हैं ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा, आप कैसे डिटरमाइन कर पाओगे ये चीज कि बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, कुछ आइडिया। देखो अब देखो हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी, ठीक है, जिसका राइट एंगल कहां पे है, बी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ए का रिलेशनशिप इस ट्राइंगल के साइड से निकालना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। अब इसमें तीन एंगल है ना, एक है ए पे, एक है बी पे और एक है सी पे। अभी ना सी की बात हो रही है ना बी की बात हो रही है, अभी मैं कर रहा हूं बात, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूं, मतलब मैं पढ़ रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड इट्स साइड, ट्राइंगल का एंगल और उसकी साइड का रिलेशनशिप पढ़ रहा हूं मैं। अब लेट अस सपोज कि मैं रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूं ए का किसके साथ, इस ट्राइंगल की साइड के साथ, एंगल ए का रिलेशनशिप निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे साइड के साथ रिलेशनशिप तब पता चलेगा जब क्या होगा, जब पहले मुझे ए के रेस्पेक्ट में ट्राइंगल की साइड का पता होगा, तभी तो रिलेशनशिप निकलेगा ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है कि मेरा रिलेशनशिप में कौन कौन है, तो आप तब बताओगे ना कि सॉरी आपको बताना है कि मेरा किसके साथ क्या रिलेशनशिप है, आप तब बता पाओगे रिलेशनशिप जब आप ये जानोगे कि मेरे रिलेशनशिप में आता कौन कौन है, ऐसा ही होगा, है ना। वैसे ही अगर ए के रेस्पेक्ट में आपको साइड्स का रिलेशनशिप बताना है, इस एंगल ए का रिलेशनशिप बताना है, तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ना ए के रेस्पेक्ट में कौन सी साइड क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेस कौन सा वाला साइड होगा, बेस वो वाला साइड होगा जो एंगल ए के साथ होगा, ठीक है ना। अब ये है एंगल ए, यहां पे मैं ड्रा कर रहा हूं अलग से, ठीक है, ये है ए, ये है सी और ये है बी, ये है एंगल ए यहां पे, ठीक है ना। अब इस एंगल के साथ दो साइड है, एक है ए सी और एक है ए बी, ठीक है ना। अब देखो बेस वो वाला साइड होता है जो एंगल के साथ हो, जो एंगल के क्या हो, साथ हो। अब दो साइड है, एक है ए बी और एक है ए सी, ठीक है। तो जो वाला साइड एंगल के साथ होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका बेस, लेकिन कंडीशन अप्लाइड क्या कि वो 90 डिग्री के अपोजिट नहीं होना चाहिए। जो एंगल है ना, एक एंगल 90 भी है ना, अब हमने पढ़ है राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा। अब एंगल ए स्टडी कर रहे हैं ना, तो एंगल ए के साथ एक आ रहा है ए बी साइड और एक आ रहा है ए सी। अब बेस कौन सा वाला साइड होगा जो ए के एडजेसेंट होगा, मींस कि ए के साथ वाला साइड होगा, ठीक। ए के साथ वाला साइड ए बी भी है और ए से ही शुरू होता है ए सी साइड भी। अब कंडीशन अप्लाइड, बेस वो वाला साइड होगा जो 90 डिग्री के अपोजिट नहीं होगा, जो 90 डिग्री के अपोजिट होगा वो वाला बेस नहीं होगा, जो 90 डिग्री और ए के एडजेसेंट होगा दैट विल बी द बेस, वो क्या होगा बेस। तो हम यू कह सकते हैं बेस इज द एडजेसेंट साइड टू द एंगल, ठीक है। एंगल जो होगा उसका एडजेसेंट साइड, देखो ए है इसका एडजेसेंट साइड है और बी है एंगल इसका एडजेसेंट साइड है, तो जो एंगल का एडजेसेंट साइड होता है दैट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है, जो ये वाला एंगल स्टडी कर रहा हूं मैं, इसके अपोजिट साइड जो होता है वो होती है परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। देखो बचपन में हमको पढ़ाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, एक होता है उसमें 90 डिग्री, जो सबसे छोटी वाली साइड वो परपेंडिकुलर, उसके बड़ी थोड़ी सी बेस, सबसे बड़ी वाली क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं एंगल्स का रिलेशनशिप
साइड के साथ। तो वही पढ़ रहे हैं, देखो हम एंगल की बेस पे बता रहे हैं इसका बेस क्या है और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो ए के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, मतलब एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर। एंगल के जो वाला एंगल स्टडी हम कर रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड क्या होगा, बेस होगा। मतलब ए बी क्या है हमारे पास बेस, और बी सी क्या है परपेंडिकुलर। मतलब बेस इस ट्राइंगल ए बी में है, ए बी सी में है ए बी, ठीक है, और इसी एबीसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है बीसी। बीसी जब हम क्या कर रहे हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्योंकि एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो साइड चेंज होंगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारे पास बीसी, और परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, साइड जो होगा किसके अपोजिट, अपोजिट टू दी एंगल, ठीक है। जो एंगल हम स्टडी कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगा उसको क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और यहां पे कौन सा है बीसी साइड है इसके अपोजिट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाइपोटेन्यूज कौन सा वाला साइड होता है, हाइपोटेन्यूज वो वाली साइड होती है जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है, ठीक है। बेस हो गया एंगल के एडजेसेंट वाला साइड, परपेंडिकुलर हो गया एंगल के अपोजिट वाला साइड, और हाइपोटेन्यूज होगा एंगल के 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाला साइड, ठीक है ना। हम यू भी कहते हैं ना कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, लेकिन अभी हम अपने देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है ना। और हमारे देखने का नजरिया या हमारे देखने का पर्सपेक्टिव अभी किसके बेस पे होगा, एंगल्स के बेस पे होगा, ठीक है। और एंगल्स के बेस पे क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, वो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। हम यू कहेंगे साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल कहते हैं। इसमें इतने में से अगर कोई सा सवाल है आप पूछ सकते हो, वरना मैं ही पूछ लूंगा। पूछना है कुछ, चलो थोड़ा सा ट्राइंगल को घुमा लेते हैं। देखो अभी ट्राइंगल था हमारे पास ए बी सी, यही ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए के बेस पे हम कर रहे थे, अब अगर एंगल सी के बेस पे आप मुझे बताओ बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। सबसे पहले बताएगा राशिद साहब, राशिद नाम बोले तो नाम बोले, बताओ फिर आप कौन सा होगा बेस अगर एंगल सी को हम कंसिडर करते हैं, बेस कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे था ना बेस हमने निकाला ए बी, परपेंडिकुलर हमने निकाला बी सी, और हाइपोटेन्यूज हमने निकाला ए सी। अभी आप बताओ मुझे बेस कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अगर एंगल सी, यहाँ पे एंगल ए ले रहे थे, यहाँ पे एंगल सी ले रहे हैं। अभी आपको बताना है बेस कौन सा होगा, सीबी बेस, और ए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, इन्हीं के बेस पे पढ़ेंगे फिर। सीबी बेस, बेस होगा सीबी, ठीक, बहुत बढ़िया। बीए परपेंडिकुलर, ए बी या बीए, चलो ठीक है, ए बी परपेंडिकुलर, ठीक है, एसी, अब एक ही बचता है एसी, हाइपोटेन्यूज, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। सी के एडजेसेंट साइड क्या हो गया, बेस, एंगल के अपोजिट साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, एसी 90 के अपोजिट, बी के अपोजिट आ रहा है, बी पे है ना 90, 90 के अपोजिट क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, समझ गए आप इतनी सी बात, ठीक है। उसके बाद है एंगल और साइड का रिलेशन, मतलब एंगल से हम किसी भी साइड का कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी आसानी के लिए सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला नोट करके रख लो, पी एच ठीक है, ये याद रख लो आप सबसे पहले, ठीक है। ये तीन चीजें आप याद रख लो, पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना। आज एक्रोनॉमी अगर इसका कहे हम, वो हमने कुछ बनाया हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना, हरे हरे बोले, हर हर बोल, आपके अपनी मर्जी है, बस याद रखने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर, मतलब इसका ये है, देखो जब ये हम पंडित मतलब पी से हम बता रहे हैं ना, पंडित पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और बी का मतलब हो गया बेस, एच का मतलब फिर से हो गया हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब फिर से परपेंडिकुलर, और बी का मतलब फिर से बेस, ठीक है, ठीक है। ये है आपके तीन फॉर्मूले जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे बहुत ज्यादा यूज होंगे।
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपन बेस। आपको दिख रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है इनमें क्या यूज हो रही है, ट्राइंगल्स की ही साइड यूज हो रही है। हमें पता परपेंडिकुलर भी हाइपोटेन्यूज भी बेस भी है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हो रहे हैं। तीनों के तीनों फॉर्मूले किसके यूज हो रहे हैं, फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है, ट्राइंगल्स की साइड ही यूज हो रही है। अब इन फॉर्मूलों से हम क्या निकालेंगे, एंगल्स का वैल्यू निकाल पाएंगे, समझ रहे हो कैसे निकालेंगे, वही तो रिलेशनशिप है, वही हमको समझना है। अब इसके पहले हम ये वाले फॉर्मूले डिस्कस कर ले, बस यार मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन आपको याद रखना है बेस ऑफ दिस थे, ठीक है ना। अभी आपको पता चल गया ना बेस किसे कहेंगे, तो यहाँ पे बेस की जगह क्या होगा, हमेशा साइड एडिशन टू दी एंगल। अगर आपको हाइपोटेन्यूज लिखना आपके लिखोगे साइड अपोजिट टू दी 90, अगर आपको परपेंडिकुलर लिखना है तो आपके लिखोगे, आप लिखोगे भाई साइड अपोजिट टू द 90 साइड अपोजिट टू द एंगल, हाइपोटेन्यूज लिखोगे हमेशा साइड अपोजिट टू दी 90। कभी फॉर्मूला आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये बस याद रखने के लिए, तभी मैंने बताया पहले बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसके बाद ये फॉर्मूला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यूज कहां पे होगा पहले वो जान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम इसके कुछ रेशियोज जान लेते हैं। रेशियोज मतलब क्या हुआ, रेशियोज मतलब हुआ जो हमारे पास ट्राइंगल्स की साइड्स हैं, ठीक है ना, उनका रेशियो, ठीक है ना, और उनका रेशियो मतलब जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज है ना, ये एक रेशियो है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना पी इज टू एच, है ना, है ना, रेशियो है ना ये, मतलब परपेंडिकुलर कितना होगा तो हाइपोटेन्यूज। रेशियो हमको क्या देता है, रेशियो इज बेसिकली द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। रेशियो को ऐसे डिफाइन करते हैं ना, रेशियो होता क्या है, रेशियो होता है दो क्वांटिटी के बीच का कंपैरिजन। अब वो रेशियो हम कहां से जानेंगे, रेशियो हम जानेंगे बेसिकली ट्राइंगल्स की साइड्स का ही, और रेशियोज का कुछ नाम रखा गया है, समझ रहे हो, नाम के लिए भी अलग से कहानी है, वो जानने की हमको जरूरत नहीं है, हम नाम ही जान ले वही काफी है, ठीक है। मतलब किसने नाम रखा, कैसे रखा, आर्य भट्टा फलाना ढिमकाना वो रहने दो, है ना, वैसे आप बुक पे दिया हुआ कहीं पे वहां पे, वहां से पढ़ लेना हिस्ट्री नाम की कैसे नाम पड़े, ठीक है ना। बाकी कहते हैं संस्कृत में फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया, है ना, तो वो आप खुद ही जान लेना, ठीक है। तो जब हम साइड्स के रिलेशनशिप बता रहे, जैसे अगर मैं बताऊं एग्जाम्पल के तौर पर, यह है 5 यह है 3, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस है, कहीं परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा 5:3 होगा, है ना, होगा ना। मतलब क्या हुआ, जब परपेंडिकुलर कितना होगा 5 का होगा तो बेस कितना होगा 3 का। अब अगर मैं 5 परपेंडिकुलर को 2 टाइम बड़ा हो तो कितना बनेगा 10 का, 10 सेंटीमीटर हो, 10 मीटर हो, 10 मिलीमीटर हो, कुछ भी, ठीक, तो 10 का तो 3, ये जो बेस है ये कितना बनेगा 3:2, ये भी 2 टाइम बढ़ेगा, मतलब ये 6 का बनेगा। ये हो गया ना रिलेशनशिप, दो क्वांटिटीज है हमारे पास, एक है बीसी और एक है एबी, क्वांटिटी मतलब लेंथ है हमारे पास, लेंथ टू लेंथ का रेशियो निकाल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कंपैरिजन दो चीजों के बीच का, है ना। तो ठीक है, तो है ना, रेशियो है 5:3 का, तो हम क्या बता रहे हैं यहां से, कंपैरिजन बता रहे हैं किस किस का, परपेंडिकुलर और बेस का कंपैरिजन बता रहे हैं। इसी कंपैरिजन को जब हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें कहते हैं हम रेशियो, और रेशियोज का अपना अपना नाम है, ठीक है। और वो रेशियो जो है वो कितने तरह के हैं, 6 तरह के हैं, कितने टाइप्स के हैं, 6 टाइप्स, ठीक है ना। पहला हम कहते हैं साइन, ठीक है, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, ठीक है। साइन का अपोजिट कोसाइन, ठीक है, कॉस का अपोजिट कोसेक, और टैन का अपोजिट कॉट, ठीक है, साइन कॉस टैन कोसाइन कोसेक और कॉट, ठीक है। ये 6 तरह के रेशो हमको क्या करने हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री में यूज करने हैं, और पूरी की पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं रेशोज पे घूमती रहेगी, कोसेक कॉट, एक ही बात है, ठीक है, कोसेक सेक और कॉट, ठीक है, ठीक है। तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, ये 6 तरह के रेशियो है हमारे पास, मतलब ये रेशियोज है हमारे पास, ये हमको रिलेशनशिप देगी किसका,
साइड्स की ट्राइंगल का। अब ये जो साइन है ये क्या है, ये भी एक एंगल होगा, कॉस क्या होगा ये भी एंगल होगा, टेन क्या होगा ये भी एंगल होगा, कोसेक क्या होगा ये भी एंगल होगा, सेक क्या होगा ये भी एंगल होगा, कॉट क्या होगा ये भी एंगल होगा। ये बस नाम है किसका, इनकी साइड्स के कंपैरिजन का नाम है, इसलिए इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल दिस सिक्स थिंग्स आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये सारे के सारे रेशियो किसको डिफाइन करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे ये हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे ये हमको क्या बताएंगे, ये हमको बताएंगे एंगल का रिलेशनशिप साइड्स के साथ क्या होता है। जैसे ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था ना, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई वी, ठीक है, तो ये साइन होगा पहला पी बाई एच, ठीक है, कॉस होगा बी बाई एच, और टेन होगा पी बाई एच, ठीक है, ठीक है, पी बाई बी और टेन है ना पी बाई बी, ठीक है। तो साइन कॉस टेन ये तीन फॉर्मूले बताए थे ना मैंने, मतलब साइन किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, कॉस किसके बराबर, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, टेन किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर। इसी साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, तो कोसेक किसके बराबर होगा, एच अपान बी, इसी का उल्टा आपको करना है, ठीक है, सेक किसके बराबर होगा, एच अपान बी, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है, और टेन का उल्टा कॉट, मतलब पी बी अपान पी, इतनी बात समझ गया। अब हम लेकिन पढ़ेंगे इनको इस बेस पे नहीं, हम पढ़ेंगे किसके, ठीक है, तो ये तीन रेशियो है हमारे पास। अब देखो साइन कॉस टेन हमने जान लिया, ठीक है, तो जनाबे अली जो साइन थीटा है हमारा, ठीक है ना, वो है हमारे पास किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन हम परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, साइड अपोजिट टू द एंगल, तो परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा ए भी हो सकता है, थीटा सी भी हो सकता है। देखो अभी हमने एग्जांपल किया था ना, उल्टा ट्रायंगल किया था हमने, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा साइन, सॉरी परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा साइड अपोजिट टू द एंगल, तो साइड अपोजिट टू दी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइड अपोजिट टू दी 90 डिग्री, ठीक है, इतनी सी बात, ठीक है। तो जब भी हमसे कोई पूछे साइन थीटा किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, साइड अपोजिट टू दी एंगल अपॉन साइड अपोजिट टू दी 90 डिग्री, ठीक है ना। वैसे आप घर से बता के लाओगे कॉस किसके बराबर होगा, टेन किसके बराबर होगा, कोसेक किसके बराबर होगा, सेक और कॉट, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतनी सी बात है, ठीक है, तो इतनी सी बात थी हमारे बेसिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इतना सा ही नहीं है, लेकिन हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए इतना सा बेसिक काफी है, ठीक है। अब आपके लिए छोटा सा सवाल, ठीक है ना, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, यह है ए बी और सी, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बता दूं फाइंड कॉस ए इन ट्राइंगल ए बी सी, कर पाओगे आप इसको, आपको कॉस ए का वैल्यू निकालना है ट्राइंगल ए बी सी, निकाल पाओगे एंगल ए पे, हाँ हाँ ए एंगल आपको कंसिडर करना है, ठीक है, तो कोशिश कर लेते हैं इसकी। देखो वीक तनाव दैट, वो मैं लिखूंगा नहीं वीक तनाव दैट, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो वीक तनाव दैट हमको पता है क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन बेस किसके बराबर होती है, एडजेसेंट टू द एंगल, तो हम लिखेंगे सीधे यहाँ पे साइड, अभी हम बेस बेस नहीं ना लिखेंगे, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल, अब किस पे निकालना है हमको, कॉस ए निकालना है ना, यहाँ पे भी सीधे कॉस ए ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो कौन से एंगल के, एंगल ए के एडजेसेंट साइड, और कॉस किसके बराबर था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइड अपोजिट टू 90 डिग्री नहीं बोल सकते हो, ठीक है, तो साइड किसके अपोजिट 90 डिग्री के, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्राइंगल एबीसी में एडजेसेंट साइड टू एंगल ए कौन सा है, तो कौन सा है, ए बी, बहुत बढ़िया, और अपोजिट टू 90 यहाँ पे है 90 डिग्री, इसके अपोजिट कौन सा है, ए सी,
एसी माने कि कॉस ए किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए सी अपॉन ए सी। बहुत बढ़िया, आप समझ गए। चलो ये आपको कैसे थीटा निकालना है, देखो ए हमको रिलेशनशिप दे रहा है किसके, ए बी और ए सी के बीच का, मीन की कॉस जो हमारे पास रेशियो है मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसका रिलेशनशिप दे रहा है, ये रिलेशनशिप दे रहा है हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप दे रहा है हमारे पास कॉस थीटा जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है ना। वो किसका कंपैरिजन दे रहा है, वो दे रहा है कंपैरिजन बेस और हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे इसी के भी क्यों मान ले हम, ठीक है। यही है ट्राइंगल हमारे पास, ठीक है। बहुत फेमस है ना ये 3-4-5 वाला सिस्टम, पता है आपको, ये अगर 3 होगी ये 4 होगी ये 5 होगी, ठीक है। बहुत फेमस है, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो। देखो 3 3 9 4 4 16 बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो 3 3 9 और 4 4 16 16 प्लस 9 कितना होता है 25 इसमें बीसी कितना है 3 है, ए बी कितना है 4 का है, एसी कितना है 5 का है, ठीक है। अब अगर आपको बताया जाए, आप बताओ कॉस ए किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, ए बी अपन ए सी निकाला ना हमने, ए बी कितना है हमारे पास 4 अपन ए सी कितना है 5, तो मतलब कॉस ए किसके बराबर होगा 4/5। अगर मैं आपसे बताऊं कॉस सी आपको निकालना है तो कॉस सी किसके बराबर होगा 3/5। देखो कॉस सी किसके बराबर होगा, सबसे पहले हम देखते हैं ना ये वाला एंगल है साइड एडजेसेंट टू द एंगल, मैं सीधे सी बी लिख लूं सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल लिख रहा हूं मैं सी बी, ठीक है ना, अपॉन साइड अपोजिट टू 90 कौन सी है ए सी, तो सी बी कितना है 3/5। देखो कॉस सी जब एंगल सी पे हम रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है 3/5। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर सी बी हमारा 3 का है तो ए सी कितना होना चाहिए 5 का होना चाहिए। अगर इसको 3 × 3 × 5 × अगर इसको 3 × 2 किया जाए तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 5 × 2, तो यहाँ पर अगर 6 का होगा तो कितना होना चाहिए 10 का होना चाहिए, यही बता रहे हैं रेशियो 3:5 का रेशियो है, ठीक है। देखो ए बी जब एंगल ए से देख रहे तो ए बी और ए सी का रिलेशनशिप क्या था 4:5, मतलब ये 4 कितनी है 5 की, ये 8 की होगी ये कितनी होगी 10 की, लेकिन ये 6 की होगी ये कितनी होगी ये 10 की होगी, है ना डिफरेंस। तो जब ये जो रेशियो है ये हमको यही बताता है, कंपैरिजन हमको देता है किसकी साइड्स का, और देखो अब कंपैरिजन हो रहा है ना साइड से किसका एंगल का, तो जब ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो एंगल का किसके साथ साइड्स के साथ वही कहलाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। अब यही ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ठीक है ना, यही आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी आपके पास है कौन सा, ये है ए बी, इसको बना लो ट्राइंगल को, ठीक है ना, टप लगे सर, जिसमें ए बी कितना है 4 का, BC है आपके पास 3 का, ठीक है ना, और AC है आपके पास कितना 5 का। आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के लाने हैं एंगल A और एंगल C, ठीक है। आपको मतलब आपको मतलब आपको निकालना है, ठीक है, आपको ये मिटा लो मैं, ये वाला ये वो वाला मिटा लो, ये सारे वाले मिटा दे, ठीक है। मतलब आपको निकालना है, इसमें निकालना है आपको साइन ए, ठीक है, कॉस ए, ठीक है, आपको निकालना है कॉट ए, ठीक है, आपको निकालना है कोसेक ए, सेक ए और टैन, यही की बात है, नीचे लिख लो ऊपर लिख लो और आपको निकालना है साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, ठीक है, और निकालना है आपको साइन सी कॉस सी टेन सी कोसेक सी और सेक सी और कॉट सी, ठीक है ना, ये आपको होमवर्क है। थैंक यू, शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर, धन्यवाद।
और भी आप कुछ?